ओके आज हिंदुस्तान में एक और बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही है और दूसरी ही और उसी के बाजू में बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टी का निर्माण हो रहा है। गरीबी, रोगराई और गुनहगारी उतनी ही बड़ी पैमाने पे बढ़ रही है। जैसे हम घर बांधते समय घर का पहिया एकदम मजबूत रखते हैं, वैसे ही राष्ट्र निर्माण अगर हमें करना होगा तो ग्राम निर्माण और शहर में तेजी से बढ़ते हुए झोपड़पट्टियों का विकास करना चाहिए, तभी हमारा पहिया, इस देश का पहिया एकदम मजबूत होगा। गरीबी के कारण कई नवयुवक गुंडागर्दी की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ दारू और कई अमली पदार्थ का उपयोग बड़े सरे आम हो रहा है। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से घसर चुका है और कुछ लोग गरीबी के कारण वेश्या व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं और यह हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी घातक है। इसलिए हमें अगर देश को उन्नति की ओर बढ़ाना होगा तो सबसे पहले यहाँ का विकास करना होगा, और यहाँ का विकास अगर करना होगा तो यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें एक अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो गुंडागर्दी और अन्य किसी गैर व्यवसाय की ओर ना बढ़े। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। हमारे घरों के सामने से जो रोड जाता है वहाँ से काफ़ी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ जाती है, क्या हमें लगता नहीं कि उस जैसे गाड़ी में कभी हम भी प्रवास करें? यह तभी मुमकिन है जब हम अच्छी शिक्षा लेके एक अच्छे अफसर बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। कई लोग मुझे मिलते हैं और मुझे पूछते हैं कि हम गरीबी के कारण सीख नहीं सकते, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे उदाहरण हैं जो कई लोग गरीब होके भी आज अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़ चुके हैं, जिनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ अच्छे अच्छे व्यवसायी बने, तो हम क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर अब्दुल कलाम के विजन के अनुसार
अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना होगा तो एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए शिक्षा हमें लेना ही चाहिए। प्रगति के इस रास्ते में हमारे बीच में कई लोग हमें दारू, पैसा और अन्य चीजों का मोह दिखाने आएंगे, लेकिन हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारा विकास और इस राष्ट्र निर्मित की ओर होना चाहिए। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। नया उजाला